आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी सिनेमा की उस मशहूर अदाकारा के बारे में जिनके सादगी पर हर कोई फिदा था और जिसने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, मगर आखिर में पाई पाई के लिए तरस गए। इनका सारा पैसा इनके अपने ही लूट ले गए और अपनों पर सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद भी आखिर में अकेली रह गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री सारिका ठाकुर की, जिसकी जिंदगी ने उन पर बहुत सितम किया, मगर ये हमेशा अपनी जिंदगी से लड़ी हैं और हिम्मत से मुश्किलों का सामना किया है। इन्होंने फिल्मों में अपनी एक्टिंग से वो कमाल दिखाया जो कोई दूसरी अभिनेत्री नहीं दिखा पाई और लाखों लोग इनके फैन बन गए। वही इनकी जिंदगी की कहानी किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी से कम नहीं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सारिका ठाकुर की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे। इनकी जिंदगी में वो कौन अपने थे जिन्होंने इनको धोखा दिया और कैसे करोड़ों कमाने के बावजूद भी इन्होंने गरीबों जैसी जिंदगी इन्हें गुजारनी पड़ी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सारिका ठाकुर हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रही है और साथ ही ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। इन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया में नाम कमाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। सारिका वो एक्ट्रेस थी जिनके सादगी लोगों को बेहद पसंद आती थी और इनकी मासूमियत ने ही इन्हें 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में शामिल कर लिया था। सारिका नई दिल्ली की रहने वाली थी और इनका जन्म राजपूत वंश के एक परिवार में हुआ था। इन्होंने फिल्मों में कदम 1967 में रखा, जहां इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की। जब ये छोटी थी तब इनके पिता ने घर छोड़ दिया था और पिता के जाने के बाद घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इसलिए इन्होंने बचपन से फिल्मों में काम किया और घर का खर्च चलाया। और दोस्तों, यही वजह रही कि सारिका स्कूल भी नहीं जा पाई। घर का खर्चा चलाने के लिए इन्होंने बचपन से कमाना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनकी पढ़ाई पीछे छूट गई। हालांकि दोस्तों, बताया ये भी कि सारिका पढ़ना चाहती थी, मगर इनकी माँ ने इन्हें पढ़ाने की जगह इन्हें काम करने भेज दिया। इनकी माँ रोज इन्हें तैयार करके फिल्म स्टूडियो ऑडिशन के लिए ले जाया करती थी और इनके कमाए पैसों से ऐश करती थी। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान सारिका ने अपनी पढ़ाई के बारे में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री ही उनका स्कूल रही और जो भी सीखा उन्होंने अपने काम से ही सीखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, उस समय इनकी उम्र मात्र 5 साल थी। 1960 से ये फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में नजर आई, मगर इनकी पहचान 1967 में आई फिल्म हमराज से बनी। इस फिल्म में इन्होंने विमी की बेटी का किरदार निभाया था और इसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्में और मराठी फिल्मों में भी काम किया और फिल्मों में काम करते करते ये बड़ी हो गई और अब हिंदी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आने लगी थी। इनकी कुछ मशहूर फिल्में 1982 में आई ये वादा रहा, तीसरी आंख, बदले की आंख, विधाता, 1983 में आई बड़े दिल वाला, 1984 में राज तिलक, राम तेरे देश, 1986 में शर्त, कतल और 1997 में आखिरी संघर्ष जैसी और भी कई फिल्में रही। अपनी शानदार एक्टिंग से ये हर जगह छा गई थी और इतने सालों के अनुभव के साथ इनकी एक्टिंग और भी ज्यादा मैच्योर और बेहतर हो गई थी। फिल्मों में काम करने के साथ साथ सारिका ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी शुरू किया और वो फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। सन 2000 में सारिका को हे राम फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन भी दिया गया था। और आपको बता दें कि सारिका एक इंग्लिश फिल्म में भी काम कर चुकी है। इस फिल्म का नाम परजानिया था, जो की 2005 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अपना शानदार अभिनय के लिए सारिका ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी जीता था। इस तरह दोस्तों, इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 55 साल दिए, जिसके बारे में सारिका ने बताया कि उन्होंने अपने करियर जर्नी को काफी एंजॉय किया, मगर स्कूल न जाने का मलाल आज भी इनके दिल में मौजूद है। इन्होंने कहा कि इनको बचपन में बुरा लगता था जब ये स्कूल में जाते हुए बच्चों को देखती थी, क्योंकि ये भी स्कूल जाना चाहती थी और अगर ये किसी मजबूरी के कारण कई बच्चों को स्कूल न जाता देखती जो मेहनत करते हैं मगर स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों को देखकर इन्हें आज भी बुरा लगता है। दोस्तों, बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो दोस्तों, जिस तरह से इनकी करियर लाइफ संघर्ष भरी रही, उसी तरह इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा मुश्किलें आई। जब ये 20 साल की थी तब इनकी मुलाकात कमल हसन से हुई। कमल हसन भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता थे और इन्हें कमल हसन से प्यार हो गया। काम के दौरान ही दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हुई और धीरे धीरे ये जान पहचान प्यार में बदल गई। उस वक्त कमल हसन से ही शादीशुदा थे, मगर सारिका के साथ प्यार में पड़ चुके थे। आपको बता दें कि कमल हसन और सारिका एक साथ कई वक्त तक रिलेशनशिप में रहे और इसी दौरान इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, यानी शादी से पहले सारिका माँ बन चुकी थी। और 1986 में इन्होंने अपनी बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। वहीं श्रुति हसन जो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी हैं और श्रुति को जन्म देने के 2 साल बाद कमल हसन ने अपनी पहली पत्नी वाणी को तलाक देकर 1988 में सारिका से शादी कर ली। कमल हसन और सारिका शादी के बंधन में बंधे और फिर इन्होंने 1991 में अपनी दूसरी बेटी अक्षरा हसन को जन्म दिया। शादी के बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर से दूरी बना ली थी और अपना समय अपने घर पर परिवार में ही देने लगी थी। सारिका अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी, मगर दोस्तों, इनकी कहानी में मोड़ तब आया जब इन्हें कमल हसन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। शादी के कुछ साल बाद कमल हसन और इनकी को एक्ट्रेस के साथ उनके रिश्ते की कई खबरें सामने आई और सारिका को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इस हादसे से सारिका इतनी टूट चुकी थी कि यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का भी फैसला ले लिया था, मगर वो बाल बाल बच गई और उन्होंने फिर 2004 में कमल हसन से तलाक ले लिया और इस तरह ये दोनों अलग हो गए। सारिका से तलाक लेने के बाद कमल हसन तमिल एक्ट्रेस गौतमी के साथ रहने लगे, मगर 2016 में ये दोनों भी अलग हो गए। वही दोस्तों, जब इन्होंने धोखा मिलने के कारण अपने पति का साथ छोड़ा, तो उस मुश्किल घड़ी में इनकी बेटियों ने भी इनका साथ नहीं दिया। तलाक के बाद दोनों बेटियों ने अपने पिता को चुना, हालांकि कोई नहीं जानता था कि उनके पिता को चुना था या उनके पैसों को, क्योंकि उनकी मां सारिका के पास उस समय कोई
भी रोजगार नहीं था। कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बाद उनके पास फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था और इन्होंने पहले जितने भी पैसे कमाए थे वो पहले ही ये घर परिवार में खर्च कर चुकी थी। हालत ये थी कि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सारिका की माँ ने इनके सारे पैसे खुद पर खर्च कर लिए थे। इनकी माँ ने भी मुंबई में इन्हीं के पैसे से कई फ्लैट अपने नाम से खरीद लिए थे, लेकिन एक भी फ्लैट इनके नाम नहीं किया था। और यही सब देखते हुए अक्षर और श्रुति दोनों ने ही अपने पिता के साथ ही रहने का फैसला किया। और यहाँ अपनों पर सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद भी सारिका अकेली रह गई थी और इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहाँ इन्होंने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लॉकडाउन के समय इतनी आर्थिक तंगी थी कि जरूरी खाने पीने के सामान के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में वापस आने की कोशिश की और ये कुछ फिल्मों में नजर भी आई। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में सारिका ने सिद्धार्थ की माँ का किरदार निभाया। 2014 में ये टीवी शो युद्ध में नजर आई और 2015 में डर सबको लगता है एक और टीवी शो में इन्होंने काम किया। इसके बाद ये 2022 में आई वेब सीरीज मॉडर्न लव मुंबई में भी नजर आई। इसके साथ साथ इन्होंने अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम भी जारी रखा और साथ ही फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाती रही और अपना घर खर्च चलाती रही। और दोस्तों जब फिर से सब अच्छा चलने लगा और सारिका दोबारा से मशहूर होने लगी तो इनकी बेटियां इनके पास इनसे मिलने के लिए आने लगी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारिका अपनी बेटियों से बिल्कुल नाराज नहीं थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया बल्कि वो हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ करती आई है। और समय के साथ जब सब कुछ ठीक हो गया तो सारिका अपनी बेटियों के साथ अक्सर नजर आने लगी। अक्षर और श्रुति ने भी अपना करियर फिल्मों में ही बनाया और दोनों ही कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और फेमस एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों ये थी भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सारिका ठाकुर की कहानी, जिन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की और जिंदगी में आई हर मुश्किलों का सामना किया। दोस्तों अगर आपने इनकी कोई फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।